अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास. आई एम योर टीचर फ्रॉम जूनियर कैंपस हाई स्कूल. दिस इज आवर कंप्यूटर लेक्चर नंबर 3 इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस यूनिट नंबर 1. सो ओपन योर पेज नंबर 12. सो टुडे आवर टॉपिक इज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज. आपकी क्या है, जो हमारा टेक्नोलॉजी में एडवांस होती जा रही हैं चीजें, आपके कंप्यूटर की फील्ड में या आपकी डॉक्टर की फील्ड में हो या आपकी मेडिकेशन की फील्ड में हो, उन सब टेक्नोलॉजीज को जो आपकी इम्प्रूव होती जा रही है उनको कटिंग एज टेक्नोलॉजीज कहा जाता है. अगर जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि नेटवर्क क्या है, आपका कंप्यूटर टू कंप्यूटर जो आप नेटवर्क आपका क्रिएट हो रहा है और कम्युनिकेशन जो इंटरनेट या मीडियम या मॉडेम के थ्रू जो आपका ट्रांसमिशन का जरिया बन रहा है, अब उसके अंदर आपकी क्या चेंजेस आ गई हैं, अब आपने उनके बारे में पढ़ना है. अब लिए हमारे पास चार कैटेगरीज हैं, सेलुलर कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम एंड ब्लूटूथ, जिसके थ्रू हम जो हमारी टेक्नोलॉजी में न्यू चेंजेस आई हैं. जैसे कि अब हम बात करते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन. सेलुलर कम्युनिकेशन इज अ रेडियो कम्युनिकेशन. इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लैंड एरिया कॉल्ड सेल. Each cell is served by at least one fixed location transceivers known as cell site. अब आपका जैसे कि अगर आप अपने डायग्राम पे नोट करें, आपका जो एक हमारा मोबाइल फोन है, सेलुलर कम्युनिकेशन हमारा है, जो मोबाइल फोन्स के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन क्रिएट किया गया है, आपका हमें जो मोबाइल प्रोवाइड किए गए हैं उसके कम्युनिकेशन के लिए ये हमारे यहाँ पोल फिक्स किए जाते हैं जो हमें सिग्नल्स है ना प्रोवाइड करते हैं. अब ये हमारा मोबाइल कंपनी है, वहां भी कंट्रोल होते हैं इनके सिग्नल्स का. इसके अलावा डिफरेंट हमारे पोल स्टेशन बने गए होते हैं जो हमें सिग्नल्स ट्रांसफर करने में हमें मदद करते हैं और कम्युनिकेशन में हमारा रोल प्ले करते हैं. अब हमारा फोन टू आपका देन पीटीसीएल है, पीटीसीएल टू फोन है, आपके एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स हैं जो इन पोल के थ्रू जो आपके डिफरेंट सिटीज में लगे होते हैं, ये हमारे रابطे कायम करने में हमारी मदद करते हैं. अब ये पोल आपके जस्ट एक ही सिटी में नहीं, आपके डिफरेंट सिटीज में अगर लगे होंगे तो आप अपने मोबाइल को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि अगर आप पाकिस्तान में देखें, आपके पास अगर वारिद की सिम है, आप उस वारिद के सिम के जो वारिद वालों ने अपने पोल डिफरेंट सिटीज में लगाए होंगे, तो वो अब आप वारिद का अगर आपकी सिम है तो आप अपने मोबाइल को कराची में जाके इस्तेमाल भी कर सकेंगे, आप लोग इस्लामाबाद में भी जाके इस्तेमाल कर सकें. ठीक है, इस तरह आपके जो ये पोल्स हैं आपको ये मदद करते हैं कम्युनिकेशन क्रिएट करने में, फोन टू फोन, सेल टू सेल या आपका मोबाइल टू टेलीफोन. इस तरह आप अपना इजीली कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हो. देन आपका आ जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन. सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ फॉर्म ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन इन विच सैटेलाइट्स आर द मेन ऑब्जेक्ट्स. दी सैटेलाइट्स आर कॉमनली कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. अब अगर आप देखें सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, जो हमारे सैटेलाइट्स में जाकर जो वहां उन्होंने लाइट्स या रेज या सिग्नल्स जो छोड़े हुए हैं जो हमें वहां से हम तक पहुंचते हैं. जैसे कि आपके अपने डायग्राम देखें, ये हमारा वर्ल्ड है, सैटेलाइट में आपका वहां रेज भेजी गई हैं, वहां अब आपकी ये सैटेलाइट्स हैं भेजी जाती हैं सिग्नल्स जिससे हम अपना कम्युनिकेशन है ना पैटर्न चला सकें. अब इन सैटेलाइट्स में इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है कि अब हम अगर YouTube पे सर्च करें और सैटेलाइट के कोई वीडियो अगर खोल के मून की या सन की देखना चाहें तो हमें वो भी स्क्रीन पे शो वो कर देता है. तो सैटेलाइट में वहां इस तरह भी कम्युनिकेशन के पैटर्न बना दिए गए हैं कि आप वहां भी देख सकते हैं कि वहां आपकी जो खला है वहां आपकी किस तरह चीजें काम कर रही हैं. देन आपकी आ जाती है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. द ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इज अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. दिस पोजीशन फाइंडिंग सिस्टम यूजेस सैटेलाइट्स टू डिटरमिन प्रिसाइज लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. अब हमारी जो सबसे बेहतरीन ये आपके कम्युनिकेशन का पैटर्न है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, कि आप कहीं भी किसी भी वक्त जान सकते हो अपनी लोकेशन का, आप लोग पता करवा सकते हैं, आप किसी भी कार का पता करवा सकते हैं या रिवर ओशन क्लाइंबर्स हाइकर्स या जैसा एग्जांपल साइंटिस्ट की दी हुई है, आप किसी भी वक्त अपने जगह की या लोकेशन की निशानदेही कर सकते हैं इजीली. जैसे कि अगर आप अपने डायग्राम देखें 1.15,
यहाँ सैटेलाइट्स में आपका सबसे पहले होगा बेस स्टेशन, जहाँ आपको ये जीपीएस का एक सिस्टम आपको लगाया गया एक पोल जिसमें आपके सिग्नल्स हैं और इसके साथ आपके सैटेलाइट में सिग्नल्स हैं, ये आपस में पहले कनेक्ट होंगे और देन आपको अगर आपके ये जीपीएस है और वो सर्वर अगर आपको कह रहा है आपने किसी जगह की या लोकेशन को फाइंड आउट करना है तो वो लोकेशन आपको देन यहाँ से पता चल जाएगी। जीपीएस आपको हमें पहले वो मैसेज सैटेलाइट्स में जाएगा, सैटेलाइट आगे आपकी जगह को आइडेंटिफाई करेगा और बाद में बताएगा कि आपके सैटेलाइट के थ्रू कि ये आपकी कार या लोकेशन या आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इस जगह मौजूद है। देन हम अब आ जाते हैं ब्लूटूथ पे। ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेज ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। अब हमारा ब्लूटूथ है, अगर सब बच्चे अब तो जानते होंगे कि आपके मोबाइल में ये फंक्शन अवेलेबल है, ये आपका छोटे डिस्टेंसेस में इस्तेमाल होता है कि आपने अगर मोबाइल टू मोबाइल अगर कोई चीज शेयर करनी है या सेंड करनी है तो आप इजीली इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, आपके अब इस फाइल शेयरिंग में आपके कोई भी वॉइस या ऑडियो या वीडियो मैसेजेस या आपके कोई एमएस वर्ड की फाइल कोई भी चीज हो सकती है। सो क्लास ओपन योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, टेक द करेक्ट चॉइस फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A computer network is interconnection of two or more computers. The data is transferred from one place to another through transmission media. Which of the following is a communication device? Modem. Which device is used to send messages, data or information? Sending device. Which of the following network is confined to a relatively small area? LAN. In WAN, W stand for wide. Which is a powerful computer that facilitates the whole network, providing a variety of services to the computer or devices. Server. Dash is an expansion. Network interface card is an expansion card that enables a computer to connect to a network. Dash is a type of wire. Coaxial cable is a type of wire that consists of a center wire. Then, which of the following is the fastest transmission media? फाइबर ऑप्टिक केबल। देन अब हम आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक कंपोनेंट्स। नंबर 2, इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ डैश डिवाइस रिसीव्स मैसेजेस, डेटा और इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सेंडिंग डिवाइस। इसका आंसर है रिसीवर। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन मीडिया इज अ चैनल और पाथ थ्रू विच द डेटा और इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कंप्यूटर और नेटवर्क। क्लाइंट इज अ लेस पावरफुल कंप्यूटर एज कम्पेयर टू सर्वर कंप्यूटर दैट रिलाइज ऑन सर्वर्स फॉर रिसोर्सेज। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। आपकी बुक की बैक साइड पे ये गिवन भी है। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। सो सेंडिंग डिवाइस के साथ क्या आपका मैच होता है? अ कंप्यूटर। देन कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ आपका क्या आएगा? मॉडेम। ट्रांसमिशन मीडिया के साथ क्या आएगा? कोएक्सियल केबल। नेटवर्क के साथ आपका आएगा एनआईसी और फाइबर ऑप्टिक के साथ क्या आपका आएगा? ग्लास थ्रेड्स। इसके बाद क्लास आपका जो होमवर्क है आपका है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3, डिस्क्राइब द फॉलोइंग कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जीपीएस ब्लूटूथ। देन डिस्कस डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। And last 5, what are communication devices? Explain any 2 of them. आपने इन तीनों questions को दिए गए notes के according आपने याद करना है और लिखना है। Till the next lecture, Allah Hafiz.